ये रहा हमारा नल्ली कारतूस। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं ददन हार्डी बटन, जो शेर दिल कभी घास नहीं खाते हैं और जो घास खाते हैं वो शेर नहीं होते हैं। वो मटन बनाएंगे और हांडी के अंदर, और जो मसाले यूज किया है वो सारे मसाले मैंने मंगवाया है, और 1/2 kg मटन है, साथ में प्याज और सारा मसाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करें। तो सबसे पहले हम लोग प्याज डाल रहे हैं, जो कि मटन के बराबर ही अमाउंट में प्याज काटे हैं। अब इसके अंदर जाएगा लहसुन, जो हल्का सा भुंजा हुआ है। तो ये आ गया हम लोग का लाल मिर्च, और अब आती है हमारी हल्दी। ये रहा भाई हल्दी, गोलकी जीरा पाउडर, ये आ गया गोलकी और जीरा का पाउडर, और ये कश्मीरी लाल मिर्च, और गरम मसाला पाउडर आ गया। ये प्याज लहसुन और सारे मसाले हैं, इसको हम लोग मिक्स करते हैं अच्छे से। और ये हम लोग का आ गया मटन भाई, जो एकदम फ्रेश है। ये और इसको अच्छे से एकदम मिलाएंगे, शेर दिल मटन। और हम लोग के हांडी में जाएगा अब गरम गरम तेल भाई। अब खड़े गरम मसाले और 4 पत्ते डालेंगे, तो ये तेल के अंदर गया 4 पत्ता, खड़ी लाल मिर्च, छोटी इलायची और लौंग, और ये हो गया हम लोग का दालचीनी और जीरा, खड़ा जीरा। और हम लोग डालते हैं भाई, बिहार में जब मटन बनाते हैं तो 1 साबुत खड़ा लहसुन। तो ये चलता है भाई हम लोग का मटन। इसको अच्छे से मिला लेते हैं, और इसको अब हम लोग आग पे चढ़ाएंगे। और ये एकदम धीमी फ्लेम है, एकदम मीडियम फ्लेम से भी कम धीमा फ्लेम। इस पे हम लोग का जाएगा हांडी, और इसको अच्छे से बैठा देते हैं। इसको इससे हम ढक दे रहे हैं, ताकि इसमें भाप बन सके, वाष्प बन सके, जिससे ये मटन रेडी हो। और हो गए हैं लगभग 45 मिनट, तो हम लोग एक बार चेक करते हैं कि क्या है अंदर का नज़ारा। क्या सोंधा सोंधा खुशबू आ रहा है भाई। बात का ये नजारा है, और मटन आधा पक गया है, मसाला तो पक गया भाई, प्याज पूरी तरह से गल गया है। इसको एक बार अच्छे से मिला देते हैं। हम लोग 1.5 घंटे हो गए हैं, 1.5 घंटे बाद इसको खोलने जा रहे हैं। क्या सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है भाई। और ये गैस हम लोग बंद कर दिए हैं। एकदम सौंधी खुशबू आ रही है। ये दिखाता हूँ मैं आपको मटन, जो कि एकदम सिझ गया अच्छे से, और क्या मस्त कलर है। तो ये रहा भाई अच्छा अच्छा पीस हम लोग जो लाए थे सेलेक्ट करके, क्या मस्त पीस है।
क्या मस्त कलर आया है, एकदम ऑथेंटिक हांडी मटन की तरह। तो हम लोग का मटन रेडी हो गया है और रोटी के साथ और सलाद के साथ इसको टेस्ट करेंगे। हांडी मटन है तो इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही अच्छा है, इसका कलर बहुत उभर के अच्छा से आया है। और बात करें इसका जो इसको पका है कि नहीं, देखिए एकदम इजीली अलग हो जा रहा है, क्या मस्त पका। तो आइए हम लोग करते हैं आप इसको टेस्ट। तो आइए भाई पहले ग्रेवी के साथ रोटी हम लोग टेस्ट करते हैं। तो ये रहा मेरा ग्रेवी वाला टेस्ट। बहुत जबरा टेस्टी है, ऑसम। तो नेक्स्ट बार हम लोग लेते हैं यार इसको अपने मटन के साथ, मटन का एक पीस लेते हैं एक टुकड़ा, और इसको करते हैं टेस्ट। और इस पे जाएगा हमारा सलाद, गाजर। जबरदस्त, वाह, बहुत ही अच्छा टेस्ट है, बहुत ही टेस्टी है भाई। और ये रहा हमारा नल्ली, कारतूस, कारतूस वाला पीस। मजा आ गया। अगर जो ऐसे मटन बनाना है तो इस विधि का आप लोग यूज कर सकते हैं। और जो हम लोग मसाला यूज किए वो वेरी सिंपल था, आप लोग घर में इजीली अवेलेबल होगा। और इस तरह से आप हांडी मटन बनाइए। तब तक के लिए सब्सक्राइब करिए इस चैनल को।